हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और अब मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का मेरा जो विषय है, जिस विषय पे मैं आज बात करने जा रही हूं, ये बिल्कुल अलग विषय है। और आज मैं जो बात आपसे करने जा रही हूं, ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप सभी लोगों के साथ इस बात को मैं शेयर करूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ इस वीडियो को, और जिससे ये वीडियो सारी पब्लिक तक पहुँचे। और आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, जिससे सब लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ कि जो इतना पोल्यूशन फैल रहा है दिल्ली में, लखनऊ में, बहुत से शहरों में, IIT कानपुर में, तो जो ये दिल्ली का पोल्यूशन है, ये तो ज़्यादातर दिल्ली में वैसे भी सर्दी स्टार्ट होने पे या गर्मी के ख़त्म होने पे, ये सीज़न चेंज होने की वजह से वहाँ दिल्ली तो वैसे भी थोड़ा पोल्यूटेड रहता था। पर इस समय IIT कानपुर जो इस समय पोल्यूशन ग्रस्त है, वहाँ पर धुंध की चादर देखी जा रही है, सफ़ेद चादर बादलों की ऐसी देखी जा रही है। एक्चुअली वो सब पोल्यूशन ही है। और जिसका एक बार ये भी कभी कहा जाता था पहले कि आपको कभी भी फ्रेश एयर लेनी हो या आपको खुला वातावरण चाहिए जहाँ पे कोई भी पोल्यूशन ना हो, तो आप IIT कानपुर जा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में देखिए इधर की, वो भी पोल्यूशन वहाँ पे भी बहुत फैल गया है। और उसी तरीके से मैं लखनऊ के रहने वाली हूँ, और मैं लखनऊ के विषय में भी सभी लोग जानते हैं। जो लोग लखनऊ में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, तो उन लोगों ने भी न्यूज़ में हर जगह देखा हो कि लखनऊ भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है। और इसको देखा जाए तो हमेशा की बार से ये अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 14-15% ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है। और यहाँ सुबह से ही बिल्कुल ऐसे लगता है कि कोहरा है, फॉग चल बैठा हुआ है और कोहरा छाया हुआ है। लेकिन ये सब कोहरा नहीं है, और ये सब केवल पोल्यूशन है जिस दीपावली के दिन पटाखे छुड़ाए जाते हैं। और कारक तो और भी बहुत सारे हैं जो पोल्यूशन को फैलाते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि दीपावली के दिन से ज़्यादा धुंध हो रही है, ज़्यादा कोहरा हो रहा है। और अगर आप लोग अपने एटमॉस्फेयर को खुद बचाना चाहते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर को प्रदूषित करने का कारक भी हम ही लोग हैं, और हम ही लोग उसको प्रदूषित करते हैं, और हम ही लोग उसको बचा भी सकते हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दीपावली के दिन पटाखे ना छुड़ाएं, धुआं वाले पटाखे ना छुड़ाएं, जिनसे बहुत सारा प्रदूषण फैलता है। इको फ्रेंडली आप दीपावली मनाएं, बच्चों को भी सिखाएं, आप भी वैसा करें। क्योंकि आज तो आपने अपने बच्चों के शौक पूरे कर लिए और उनको पटाखे दिलाए, बच्चों ने छुड़ाए, आपने इंजॉय किया, लेकिन वही चीज़ आपको पलट करके आपको नुकसान दे रही है। तो प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट दीपावली से इको फ्रेंडली बनाएं दिवाली को, और बच्चों को ही वैसा सिखाएं जिससे आप भी सुरक्षित रहें, आपके आने वाले बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे। तो अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं या इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं, तो बिल्कुल बंद कर दीजिए आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, क्योंकि आपकी सेहत को जितना तो फ़ायदा नहीं देगा, उससे ज़्यादा आपकी सेहत को नुकसान देगा। और क्योंकि जो प्रदूषण हो रहा है, जो विजिबिलिटी कम हो रही है, ये आँखों को और सांस लेने में इतनी दिक्कत कर रही है। आप जो आंखें आपकी किड़किड़ाने लगती हैं, जैसे लगता है आंखों में कोई चीज़ मिर्चा ऐसी लग गई हो। इसके अलावा आप जो सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे उपाय भी बताऊँगी कि जिससे आप इन प्रदूषण से होने वाली जो नुकसान है, उनसे आप थोड़ा बहुत बच जाएं। तो मैं आपको अभी वो उपाय बताती हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो आप प्रदूषण से होने वाले नुकसान से कुछ हद तक कैसे बच सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कुछ चीज़ें हमको आपको घर में ही अपने मिल जाएंगी, और जिसका हम लोग अब कुछ लोग सेवन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो वो चीज़ें हैं जैसे तुलसी जी की पत्ती है और अदरक है। तो ये चीज़ें अगर आप मिला करके चाय पर पीती हैं, या आप नॉर्मली पानी में बॉयल करके भी तुलसी की पत्ती और अदरक डाल दें, उसका पानी पिएं, तो उससे भी आप प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। और इसके अलावा आप नींबू का सेवन करें, नींबू का पानी पिएं या नींबू की चाय पिएं। अगर नींबू को, क्योंकि जो ये खट्टा होता है, खटास होती है, विटामिन सी होता है, ये भी आपको काफ़ी कुछ प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाता है। इन सारी चीज़ों के अलावा गुड़ को भी आप अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि सर्दियों का मौसम भी स्टार्ट हो गया है, तो गुड़ तो सर्दियों में भी फायदा करता है। और इसके अलावा आपको आगे आने वाले नुकसान से भी प्रदूषण से बचाएगा। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट जिसमें मैग्नीशियम रिच डाइट होती है, जैसे काजू है और अखरोट है, ये चीज़ें भी आप खाएं, बच्चों को भी दें, बच्चों को भी, क्योंकि बच्चे जल्दी पकड़ते हैं इन सारी चीज़ों से, जिससे वो भी बचे रहेंगे, आप भी बचे रहेंगे। और इसके अलावा
अगर आप बाहर निकल रहे हैं, आप बाइक से निकल रहे हैं, तो आप मास्क का यूज़ करें, चाहे आप दुपट्टा बांध लें या आप मास्क मार्केट से खरीद लें, मास्क का यूज़ करें। जिस आप मतलब आप अपनी ये हिस्से को, नोज़ को कवर करके आप घर से बाहर निकलें, तो भी काफ़ी हद तक आप प्रदूषण से बच सकते हैं। क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो आप डायरेक्ट जो आप एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है वो डायरेक्ट इनहेल करते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। और इसके अलावा आप विटामिन सी की गोलियां आती हैं, लिमसी आती है, बहुत तरीके की विटामिन सी की गोलियां आती हैं, वो भी आप डेली एक आप लें, और जो बाहर निकल रहे हैं या जो घर में भी हैं वो भी डेली टेबलेट लें, तो उससे भी काफ़ी हद तक आप प्रदूषण के होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। और आपको आज का वीडियो मेरा ये कैसा लगा इसे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, जिससे वो भी इससे संबंधित जानकारी ले सकें, कुछ इनके फ़ायदे वो लोग जान सकें कि भाई क्या हम कर सकते हैं घर बैठे, क्या कौन सी ऐसी चीज़ कर सकते हैं। तो मुझसे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में वीडियो अच्छा लगा हो, और इसके अलावा पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और न्यू फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऑल वाले बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, टिल देन बाय।